सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और साथ में घंटे का बटन भी दबाएं लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले देखने के लिए। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, ऋषभ पंत को छेड़ना, टिम पेन को पड़ा महंगा, आईपीएल फ्रेंचाइजी दिल्ली कैपिटल्स ने बनाया ऑस्ट्रेलिया कप्तान का मजाक। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, आपने लॉग इन किया डेली न्यूज अड्डा और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया इसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया में खेली जा रही टेस्ट मैच सीरीज के तीसरे टेस्ट मैच मेलबर्न में रविवार को खत्म हो गया, जहां भारतीय टीम ने जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए 137 रनों से जीत हासिल की। इस मैच में भारतीय टीम ने जीत के साथ ही सीरीज को भी 2-1 से बढ़त बना ली। जुबानी जंग में ऑस्ट्रेलिया कप्तान टिम पेन रहे आगे। इस टेस्ट मैच का परिणाम तो निकल गया, लेकिन इस मैच के दौरान जुबानी जंग अपने चरम पर ही। खास तौर पर ऑस्ट्रेलिया के कप्तान और विकेटकीपर बल्लेबाज टिम पेन कुछ ज्यादा ही आगे रहे। दूसरे टेस्ट मैच के दौरान भारतीय टीम के कप्तान से जुबानी जंग लेने वाले टिम पेन इस तीसरे मैच के दौरान भारतीय टीम के बल्लेबाज रोहित शर्मा के सामने आ गए। टिम पेन और रोहित शर्मा के बीच चली जुबानी जंग ऑस्ट्रेलिया टीम के कप्तान टिम पेन ने विकेट के पीछे से जमकर वर्ल्ड वॉर बोला। इसमें उन्होंने पहली पारी में रोहित शर्मा के लिए बल्लेबाजी के दौरान कमेंट किया। वहीं टिम पेन ने बल्लेबाजी करते वक्त विकेट के पीछे खड़े रहकर कहा था कि अगर रोहित शर्मा छक्का मारने में कामयाब होते हैं तो वो मुंबई इंडियंस का समर्थन करेंगे। ये बात स्टंप माइक में रिकॉर्ड हो गई। इसके बाद जैसे ये टिम पेन का ऑडियो वायरल हुआ और वहां आईपीएल में मुंबई इंडियंस के कप्तान रोहित शर्मा ने भी जवाब दिया और कहा कि अगर पेन शतक बनाते हैं तो वो उनको शामिल करने के लिए अपनी फ्रेंचाइजी से बात करेंगे। वहीं बात करें टिम पेन दोनों ही पारियों में कुछ खास नहीं कर पाए और सस्ते में ही चलते बने। साथ ही साथ ऋषभ पंत को भी टिम पेन ने छेड़ने की कोई कसर नहीं छोड़ी। इसी को लेकर अब पंत की आईपीएल टीम दिल्ली कैपिटल्स ने टिम पेन को करारा जवाब दिया है। दिल्ली कैपिटल्स की फ्रेंचाइजी ने अब ऑस्ट्रेलिया कप्तान का मजाक उड़ाया। उन्होंने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से दिल्ली कैपिटल्स ने एक बड़ी मजाकिया फोटो शेयर कर पेन का मजाक बनाया।